तो आज रमजान स्पेशल में फूलगोभी के पकौड़ों की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बराबर में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीदें खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रमजान स्पेशल में फूल गोभी के पकौड़ों की रेसिपी लेके आई हूँ। तो उसमें मैंने एक छोटे साइज की फूल गोभी ली है और इसको इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अच्छा, फूल गोभी को अच्छी तरह चेक कर लीजिएगा कि इसमें छोटे छोटे कभी कभी कीड़े वगैरह भी होते हैं, तो इसको अच्छी तरह चेक करके छोटे पीसेस में काट के और इसको वॉश करके मैंने यहाँ रख लिया है। 3 अदद मैंने इसमें हरी मिर्ची ली है, 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज लिए। अच्छा, प्याज मैंने इस तरह कट कर लिया था, मैंने बताने के लिए आपको इस तरह स्लाइसेस में प्याज रखा है। इसको बस मैंने यूं गोल स्लाइस लिया और इसको ऐसे करके कट कर लिया बीच से, ठीक है। आलू भी इस तरह से मैंने स्क्वायर साइज में 2 इतने बड़े आलू लिए थे, ठीक है, इस तरह काट लिया। इसको मैं आपको बता दूं, इस तरह से बीच से मैंने निशान लगाया, प्राइस में नहीं काटा मैंने इसको, और इस तरीके से मैंने इसको काट लिया छोटे छोटे साइजेस में, ठीक है। थोड़े से हरा धनिया है, तो चलते हैं रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप मैंने बेसन लिया है, ठीक है। बेसन में मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून सबसे पहले नमक, 1/2 टीस्पून से कम थोड़ा सा मीठा सोडा, 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम इसमें मैंने हल्दी डाला, 1/2 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 चुटकी अजवाइन, इसको मैंने हाथ से मसल लिया है और मसल के इसमें डाल दिया, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और इसको मैं मिक्स कर लूंगी। इसको मिक्स करने के बाद इसको मैं फेंट लूंगी पानी डाल के। तो देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है और थोड़ा सा हमने इसको थिक रखा है, क्योंकि जब हम इसमें गोभी और प्याज और आलू डालेंगे फिर ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, ठीक है। अब इसमें मैंने थोड़ी सी हरा धनिया था जो काट के रखा था ये शामिल कर दिया, हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दी, फूलगोभी जो रखी थी वो डाल दी, प्याज डाल दिया, आलू डाल दिया, ठीक है। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे हाथ से, अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। और जब पकौड़ों में बेसन को कम रखें और बाकी जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिस चीज़ के आप पकौड़े बना रहे हैं वो चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हम फ्राई करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म ना हो ऑयल और बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। तो देखिए, मैंने इसको पलट लिया है और मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको जो है ना पकाया है। अब मैं इसको हाई फ्लेम करूंगी, क्योंकि फ्लेम हाई करने से किसी भी हम फ्राई के आइटम जो हमारे होते हैं उसमें क्रिस्पीनेस आती है। और निकालने के बाद आप डायरेक्ट प्लेट में ना निकाले, किसी भी स्ट्रेनर में, छलनी में, किसी भी इस टाइप की चीज जो होती है जिसमें एयर जो है पास हो उसमें रखें, तो निकाल लेते हैं। तो देखिए, हमने इसको इस पे निकाल लिया है सबको। तो लीजिए, मज़ेदार फूल गोभी के पकौड़े रमज़ान स्पेशल में तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।